हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी, आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है, यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट 2,185 हैं। और जब मैं 2,185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी 2014 में, पत्रकार बंधु नोट कर ले, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है, इस बात 5800 गांव में बिजली है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन, अब बहुत सी बातें यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए, 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ। ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए किसानों के हित चिंतक जो बनते हैं आंकड़ों में कहां दिखते हैं, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप डैमेज के जो कंपनसेशन है वह 6,000 प्रति एकड़ था, उसको आज बढ़ा करके 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। ये हमारे क्रॉप का कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसलिए किसानों के हित चिंतक कौन रहा है, इसका विश्लेषण हमारे पत्रकार बंधु जरूर करें। ओल्ड एज पेंशन तिगुनी कर दी गई, 1,000 होती थी आज 3,000 है। उसी तरीके से MSP जो सिर्फ 8 क्रॉप्स पर मिलती थी, 8 क्रॉप्स, ये किसान के हित चिंतक, ये किसान के हितैषी बरसों से 8 से ज्यादा फसलों पर MSP नहीं देते थे, आजकल MSP की गारंटी मांगने फिर रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी जिसने आज 24 फसलों पर 24 क्रॉप्स पर उसके लिए MSP देना निश्चित किया है और उसको आगे बढ़ाया है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो कहा था वो, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मैं यहां आपके सामने बताना चाहता हूं जिसके बारे में इन्होंने हमारे सैनी साहब ने आपको बता दिया कि हमने 100% अपना 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो लागू करने के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए और जल जीवन मिशन में आपके लिए हर घर को नल दिया जाए इसकी सुव्यवस्था हरियाणा की सरकार ने किया, जो कहा था वो करके दिया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं पौने दस बजे अपने घर से निकला हूं और 11:30 बजे मैं रोहतक पहुंच गया हूं। कभी 10 साल पहले कल्पना की थी क्या? कभी कल्पना की थी? 4 घंटे लगते थे। ये फर्क साफ है जिसको हमको समझना चाहिए। आज IIT दिल्ली का
फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, आपके यहां कैंसर का सेंटर एम्स का एक्सटेंडेड बिल्ड प्रोग्राम वो झज्जर में किया गया है, उसी तरीके से योगा और नेचुरोपैथी झज्जर में खोल दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह साहब यहां बैठे हैं, इनको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज वो रेवाड़ी में उसका काम शुरू कर दिया गया है। उसी तरीके से मेट्रो का गुड़गांव में 5,450 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी स्टोन रख दिया गया है, उसको भी काम को शुरू किया गया है। हीरा में यानी हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर, ये सारे एक्सप्रेसवे हरियाणा के थ्रू होकर के जा रहे हैं और हरियाणा के जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, अमूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी हमको समझना चाहिए। रेलवे में आज आपका इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है, रेलवे का बजट हरियाणा में 9 times बढ़ा दिया गया है, और उसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी से लेकर मदर तक इसका भी बनाने का काम चला है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में 6,000 गांव को जोड़ लिया गया है, 6,000 विलेजेस को ये पहुंचा दिया गया है, और हिसार का जैसा मैंने बताया एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इसलिए ये मैंने सारी बातें आपके सामने किस लिए बताई, इसलिए पत्रकार बंधु कि जब मैं आकर के आपके सामने हरियाणा का संकल्प पत्र रखता हूं तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसा ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, दिस इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी, इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी, यदि एक हो दो हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी, यह व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का गांव का बेटा रोजगार लग सके सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे बीपीएल और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना
पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा, उसको सरकारी व्यवस्था में डायलिसिस देंगे। और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे, इसको भी हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से हम ओलंपिक्स के लिए नर्सरीज क्रिएट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिसिप्लिन के लिए। और हम हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के बीपीएल परिवारों के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे, ताकि बीपीएल और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। कॉलेज जाने वाले हमारी अव्वल बालिका योजना के तहत महिला छात्राओं को हम स्कूटी का अरेंजमेंट करेंगे, उनको हम स्कूटी देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अग्निवीर योजना में जोड़ेगा। उसी तरीके से केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण पूरा करेंगे और पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, खरखौदा से चंडीगढ़ और मथुरा तक वंदे भारत ट्रेन को शुरू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिल्ली से पलवल, दिल्ली से धारूहेड़ा, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से पानीपत, इसको भी केंद्र सरकार के सहायता से इसको हम शुरू करवाएंगे। इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सर्विस बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम के लिए, इसको भी हम इस सेवा को शुरू करवाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से पिछड़े हुए 36 बिरादरी, 36 जो हमारी बिरादरियां पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए हरेक के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाएंगे और उनको आर्थिक मदद देकर के उनका कल्याण करने का काम करेंगे, इसकी अलग से हम व्यवस्था करेंगे। हम डीए और पेंशन का साइंटिफिक फॉर्मूला के आधार पर सामाजिक मानसिक मंथली पेंशन की को वृद्धि करेंगे और इसके लिए भी हमारी हरियाणा सरकार कृत संकल्प रहेगी। और हम जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए उनको हम पूरी की पूरी स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप देंगे, ताकि हमारा कोई बच्चा इससे वंचित ना रह जाए और उसकी पढ़ाई। ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब के लिए हम ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हम व्यवस्था करेंगे और उनको पूर्ण स्कॉलरशिप दी जाएगी। हरियाणा के प्रदेश सरकार लोन के दृष्टि से 25 लाख रुपए बैकवर्ड क्लास के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडिशन मुद्रा स्कीम से एडिशन, एससी और एसटी को तो मिलता ही है लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए भी उसको हम जोड़ेंगे और उनको हम एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा स्कीम से अलग से 25 लाख रुपए का उनके मुहैया कराएंगे और उनको हम लोन देंगे और वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। हरियाणा को शिक्षा का ग्लोबल एजुकेशन हब बनाएंगे और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल स्किल्स को भी हम उसमें प्रयोग करेंगे और उसको हम लाएंगे। ये जो हमारे अरावली के जंगल हैं, इसको हम 10,000 एकड़ की साउथ हरियाणा में हम इंटरनेशनल लेवल का सफारी बनाएंगे, ताकि टूरिज्म को हम अट्रैक्ट कर सकें। इस तरीके के हमारे 20 संकल्प हमने आपके सामने रखे हैं। ये 20 संकल्पों के साथ बाकी आपको मैनिफेस्टो की डिटेल्स मिल जाएगी जिसमें बाकी सारी बातें हैं, लेकिन नॉन स्टॉप हरियाणा, अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप ना डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी
बिना स्टॉप के चलती रहेगी, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।